अस्सलाम वालेकुम, आदाब हरदय। और हम इस वक्त खड़े हैं रूमी गेट पर, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, मेरी मुराद है मौलाना डॉक्टर सैयद कल्ब रुशैद साहब, जिनका इब्तदाई वक्त लखनऊ में तालीम के हवाले से गुज़रा, और एक अरसे के बाद फिर आप ताज़ियत के हवाले से और लोगों से मुलाकात के हवाले से लखनऊ तशरीफ़ लाए। तो हम इनसे सवाल ये करेंगे, जब आप यहाँ लखनऊ में रहते थे, यहाँ बसते थे, यहाँ तालीम हासिल करते थे, तब लखनऊ को आपने कैसा देखा, कैसा पहचाना, कैसा जाना, और अब लखनऊ क्या है? अबू ज़र, सलाम अकीदत आपकी खिदमत में और आपके कैमरे के हवाले से देखने वाले तमाम लोगों की खिदमत में, जो किसी भी मकतब फ़िक्र के हों, मैं उनकी सलामती चाहता हूँ। और लखनऊ बहरहाल अमन का शहर है, चैन का शहर है, सुकून का शहर है, ज़िंदगी का शहर है, कदरों को समझने का शहर है, रवादारी, मसावात, उर्दू अदब, संस्कृत की खुशबू, मुसलमान सुबह, हिंदू शाम, भजन कीर्तन, नौहा मरसिया, मुझे लगता है यहाँ मंदिरों की घंटी की आवाज़ें, मस्जिदों की अजानों की आवाज़ें, लोगों में कामों को लेकर भी, अगर आरी दरदोजी की सिलाई कढ़ाई मुसलमान करता है तो उसे बेच हिंदू रहा है, अगर चिकन की आमादगी में, चिकन क्लोथ की आमादगी में मुसलमान का हाथ है तो उसे सेलिंग हमारा हिंदू भाई करता है। बड़ा बेहतरीन शहर है। मैं शायद लखनऊ को जब पढ़ता था, बहुत छोटा था, मेरे वालदैन ने, मेरी 5 साल की उम्र थी और 5 साल की एज में ही मुझे सुता मदारिस में दाखिला मिल गया था, तो मैं 80 से 90 तक सुता मदारिस में रहा। और मुझे लगता है कि तब मैं लखनऊ को उतना नहीं समझ पाया जितना बड़े होने के बाद लखनऊ को दूर से देखा, फिर लखनऊ आया, लोगों से मिला, और मैंने महसूस किया कि लखनऊ एक बेहतरीन खुशबू है, लेकिन इस खुशबू को समझने के लिए लोगों का नाक का ठीक होना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर खुशबू सबको समझ में नहीं आती, कुछ लोग खुशबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। मुझे लगता है कि ये खूबसूरत शहर है और ये हमेशा एक सबक और एक मैसेज रहेगा। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि यहाँ इमारतें हैं मगर यहाँ किरदार भी हैं, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि यहाँ इतिहास है मगर यहाँ फ्यूचर भी है, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि यहाँ पर पुरानी तारीखें हैं मगर कुछ नए कलम भी हैं, नए किताब लिखने वाले भी हैं। मैं मानता हूँ कि ये शहर माजी का है मगर मुझे लगता है मुस्तकबिल भी इस शहर में छुपा है। और अबू ज़र, मैं तो ज़बान वाला आदमी हूँ, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, लखनऊ की खामोशियाँ बोलती हैं, लखनऊ की सिसकियाँ मुस्कुराती हैं, लखनऊ के नौहे अदब सिखाते हैं, लखनऊ के कसीदे आपको मोहब्बत करने का जज्बा पैदा कराते हैं। लखनऊ एक मुझे लगता है लखनऊ शीरमाल का नाम नहीं है, लखनऊ बाकरखानी का नाम नहीं है, लखनऊ बिरयानी का नाम नहीं है, लखनऊ एक तहजीब का नाम है। लखनऊ मुगलिया सल्तनत के छोड़े हुए आखिरी नकुश नहीं बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानियत में जितनी तरक्की हो सकती है उस सब की खेतियां आपको लखनऊ की ज़मीन पर देखेंगी दिखेंगी। और मैं समझता हूँ कि वन ऑफ़ द बेस्ट सिटी अराउंड द वर्ल्ड, मैं 50 मुल्क गया हूँ मगर लखनऊ जैसी खूबसूरती बहुत कम शहरों में मुझे दिखी। डॉक्टर कल्ब रुशैद साहब ने अपने तासरात लखनऊ के हवाले से आपके दरमियान व्यूअर्स पेश किए, लेकिन एक सवाल मैं ज़रूर करूंगा जो कि ज़रूरी बनता है कि लखनऊ को सब बहुत पसंद करते हैं, उसकी वजह है, जैसा कि हमारे भाई मौलाना डॉक्टर कल्ब रुशैद साहब ने व्यूअर्स के सामने बातें पेश की, लेकिन हम एक सवाल और करना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको लगता है कि ये बात लखनऊ में अच्छी नहीं है? देखिए, लखनऊ में क्या अच्छा नहीं है, तो मेरी अपनी सोच ये है कि तहजीबों से परे, गुफ्तगू से आगे बढ़ के, लफ्ज़ों के जीनों से ऊपर चढ़ के, हकीकत की छत पे जब हम खड़े होते हैं तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, प्रैक्टिकलिटी में क्या है। तो प्रैक्टिकलिटी में लखनऊ और लखनऊ के अवाम कहीं ना कहीं पीछे है, उसके लिए उसको एफ़र्ट करना पड़ेगा हार्ड। मतलब कहते हैं ना, बातें बहुत हैं, ये सिर्फ लखनऊ की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पूरे मुल्क की प्रॉब्लम है, बातें बहुत हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बातों से आगे हटके हमें थोड़ा सा, यू नो, वी मस्ट बी मोर प्रैक्टिकल, वी शुड बी मोर प्रैक्टिकल। जैसे डॉक्टर है, उसको पता है कि 98% पेशेंट जो है वो
बच के आ जाएगा सर्जरी के बाद, मगर फिर भी वो अपने उसूल नहीं भूलता, उसको आपसे सिग्नेचर लेना है तो वो लेगा कि भाई अगर कुछ खुदा ना खास्ते बुरा होता है तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, हमने अपना एफर्ट किया, हमने अपनी कोशिश की। तो ये क्या है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की कुछ तहजीबें हैं जिनको पूरा करना पड़ता है। तो आदमी को मोर प्रैक्टिकल होना पड़ता है, जैसे आपने तहजीब में किसी को यकीन दिलाया, इत्मीनान दिलाया कि हाँ आपका काम हो जाएगा और आपने कोशिश भी की, मगर आप ये देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके बात की वजह से उसने यकीन नहीं, यकीन का बाप अपने अंदर जमा कर लिया है और वो कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस की मंजिल में चला गया है, कल उसको नुकसान हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि आपकी ज़बान की वजह से किसी का नुकसान ना हो। बहुत अच्छी बात कही क़िबला डॉक्टर कलबेर शहज़ साहब ने, और बड़ी प्रैक्टिकल बातें की, और मैं तमाम अहले लखनऊ की जानिब से मौलाना डॉक्टर कलबेर शहज़ साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, साथ ही साथ खुदा की बारगाह में दुआ गो हूँ कि परवरदिगार जो नवाबीन अवध थे, जो लखनऊ के नवाब थे, जिन्होंने आज़ादारी को फ़रोग दिया, जिन्होंने इस तरह की खूबसूरत बिल्डिंग्स दी, परवरदिगार उनके दर्जात बुलंद करे और हमारे लखनऊ की तहजीब मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब बिलखसूस बरकरार रहे और हमारे मुल्क में अमन रहे। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।